हेलो इंडिया। तो एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ मैं आपके लिए वाराणसी के तुलसी मानस मंदिर का। तो लेटेस्ट वीडियो मैं लेकर आया हूँ जो विश्व प्रसिद्ध सावन मेला जो तुलसी मानस मंदिर में लगता है वो मैं आपको दिखाने आया हूँ। दुर्गा कुंड के पास ये मंदिर है, दुर्गा कुंड के जस्ट मंदिर के जस्ट आगे। तो वो आपने जो देखा वो एंट्री था, हमने वहाँ से एंट्री किया और यहाँ पर आए हैं हम तुलसी मानस मंदिर का जो गेट है यहाँ पर। और ये साइड में आपने देखा यहाँ पर हनुमान जी थी और हनुमान जी अपना सीना फाड़ते हुए बोलते हैं जय श्री राम, वो आप वहाँ पे देखेंगे आपको और क्लियरली दिखाई देगा। तो ये मेला अभी भी लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। सावन के स्पेशली सावन के पर्व पे मेला लगता है। और ये बीच में देखिए झांकियाँ तैयार की गई हैं, ये सावन के समय ही लगती है क्योंकि सावन के बाद ये झांकियाँ हट जाती हैं। ये पूरा प्लेन एरिया रहता है, लोग मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, लेकिन ये जो विशेष झांकियाँ आप देख रहे हैं इसमें रासलीला और कृष्ण देव कृष्ण से रिलेटेड और राम जी से रिलेटेड जो है उनकी स्टोरीज़ उनकी दिखाई गई हैं, उन्हें दर्शाया गया है। तो पहले ये आप देख लीजिए, अब हम साइड से चलते हैं, आपको फिर जो मेन मंदिर है यहाँ का राम लक्ष्मण जानकी का जो मंदिर है उसका दर्शन कराते हैं। तो चलिए आपको हम हर तरह से पूरा बताएंगे कैसे यहाँ पे आएँ, कब आएँ, क्या देखें। ये देखिए ये राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जी का ये मंदिर, ये हमेशा यहाँ पर खुला रहता है, आप आके देख सकते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर लगती है द मेन झांकी, समझिए द ग्रेटेस्ट। तो सावन स्पेशल में मैं आपको दिखाने आया हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ और ये आपने नीचे से देखा, मैंने आपको दिखाया जो झांकियाँ लगी हुई थी मंदिर परिसर के बीच में, वो मैंने आपको ये देखिए मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे जो स्पेशल झांकी जो कहते हैं उसको देखने के लिए ₹10 सिर्फ टिकट है, ये नॉमिनल प्राइस है, वो एक तरह से मेंटेनेंस चार्ज आप समझ सकते हैं। और वहाँ पर आप जाके कहेंगे तो आप बोलेंगे 10 क्या 100 रुपये ले लो, वो भी बहुत कम है। तो ये देखिए ये श्री राम कृष्ण लीला झांकी, यहाँ पे राम जी कृष्ण जी और आदि देवी देवताओं से रिलेटेड झांकियाँ बनाई गई हैं। तो हम अंदर आ चुके हैं, आपको झांकी दिखाते हैं। ये देखिए पहला झांकी शिव विवाह का, ये इलेक्ट्रिक शो चलता हुआ, उनके बगल में ये दक्ष यज्ञ, और ये देखिए गौरी पूजन, ये राम जन्म, राम जी का जो जन्म होता है उसे भी इलेक्ट्रिकली यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए आप ये पूरा ये पहला झांकी आपको दिखाया गया, इसमें ढेर सारे हैं बाल लीला, वहाँ पे कृष्ण जी का बाल लीला जो है वो दिखाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट झांकी की तरफ चलते हैं, आइए। तो ये सेकंड झांकी जो है इसमें देखिए सूर्पणखा, जब लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा की नाक काटी थी उसे दिखाया गया है पहले दृश्य में। दूसरे में ताड़का वध दिखाया गया है, कृष्ण जी ने जो ताड़का वध किया। द थर्ड वन सीता स्वयंवर, और ये थे कोप भवन, जब रानी कैकेयी कोप भवन में गई थी और राजा दशरथ जी ने वचन दिया था वो क्लियर करने, तो वो था थर्ड झांकी। ये चौथा झांकी जटायु का वध और रावण जटायु युद्ध, जब माता सीता का हार हो रहा था तब का बात है। और बाली सुग्रीव युद्ध दिखाया गया, इलेक्ट्रिक दिखाया गया, ये जितनी भी झांकियाँ हैं सब इलेक्ट्रिक हैं और बहुत ही अच्छा है, जिस परफेक्शन से इसे तैयार किया गया है आप उसे देख कर आप खुद बोलेंगे इट इज़ अ मोस्ट विजिटेड प्लेस इन वाराणसी। तो चलिए आपको दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये झांकी दिखाई, ये पूरे झांकी में सबसे बड़ा झांकी ये है, पहला नरसिंह लीला, दूसरा ये देखिए आप स्क्रीन पे माँ दुर्गा, ये बीच में गणेश जी द मेन अट्रैक्शन बिल्कुल सेंटर में, ये देखिए ये बीच में इलेक्ट्रिक चल रहा है, यहाँ पे रासलीला दिखाया गया है कृष्ण जी और बाकी गोपियों का, ये सामने कृष्ण जन्म दिखाया गया है, यहाँ से पूरा इसमें अच्छे से दिखाया गया है कि वासुदेव जी कृष्ण जी को लेकर के कारागार से निकल रहे हैं, वो पूरा शो है, वो प्रॉपर आप आएंगे देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मैंने राइट हैंड साइड का दिखा दिया आपको, थोड़ा लेफ्ट का मैं और अच्छा व्यू देख करके आपको दिखाता हूँ, लेफ्ट साइड का भी व्यू। हाँ देखिए ये है व्यू लेफ्ट साइड में, ये देखिए कुंभकर्ण सोए हुए हैं और इतना परफेक्शन से इसे बचाया गया है कि कुंभकर्ण सोए हैं तो जब वो सांस ले रहे तो उनका पेट फूल रहा है और कम हो रहा है। ये देखिए ऊपर क्षीर सागर दिखाया गया है विष्णु जी और लक्ष्मी जी का, ये देखिए ये झांकी का ऊपर भी दिखा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट झांकी की तरफ, यहाँ पे कृष्ण जी राधा जी आराम से झूला झूल रहे हैं गोकुल के गांव में, ऊपर भी उसे दिखाया गया है, उसे कृष्ण जी और राधा जी की रासलीला दिखाया गया, ये सीता जी की अग्नि परीक्षा जो हुई थी उससे रिलेटेड एक छोटी सी झांकी थी। ये देखिए झूला झूलते हुए कृष्ण राधा और ऊपर रासलीला करते हुए कृष्ण राधा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट झांकी की तरफ, ये भी बहुत अच्छी झांकी है, इसमें मीराबाई का मेन फोकस डाल के दिखाया गया, मीराबाई को बीच में मीराबाई हैं उनके लिए ये शीश महल एक तरह से तैयार किया गया है, शीशे का पूरा वो बैकग्राउंड है और साइड में यशोदा जी और कृष्ण जी, कृष्ण जी का बाल रूप दिखाया गया है और यशोदा जी मक्खन निकाल रही हैं उसे दिखाया गया है। तो ये रहा ये, अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट झांकी की तरफ।
ये है राम राज्याभिषेक द ग्रेटेस्ट झांकी यहाँ की। यहाँ पे पूरा राम राज्याभिषेक हो रहा है, पूरा राज दरबार सजाया गया है, सारी रानियाँ हैं, सारे राम जी के भाई और सभी की पत्नियाँ, इसे पूरा ग्रेटेस्ट तरीके से दिखाया गया है, द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विजुअल एक्सपीरियंस इसे देखकर आप कह सकते हैं। तो चलिए आपको अब नेक्स्ट झांकी दिखाते हैं। इसमें देखिए ये बाहर की तरफ एक झांकी लगती है, इसमें शिव जी पार्वती जी से बात कर रहे हैं और सूर्यदास जी वहाँ पे बैठे हैं, वो भजन गा रहे हैं। तो ये रही पूरी झांकियाँ, मैं एक बार आपको बाहर से ओवरव्यू दिखाता हूँ जो झांकियाँ दिखाई गई हैं। देखिए ये मैं आंगन में खड़ा हूँ, ये सामने वो पहला झांकी और ये लाइन से मैंने आपको पूरी झांकियाँ जितनी भी हैं सब दिखाया है। ये देखिए, ये देखिए और यहाँ पे ये लास्ट। तो यहाँ से हम अब ये झांकी तो कम्प्लीट हो गया, अब झांकी हमने देख ली, अब हम यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं और आपको दिखाते हैं, एक और जानकारी देते हैं। ये हम बाहर निकल गए, देखिए वो जो सामने गेट है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ से हम एंट्री किए और यहाँ से एग्जिट किए, इसी के अंदर पूरी झांकियाँ थी। तो फ्रेंड्स साहब ये भी थोड़ी बहुत झांकी, ये बाहर ये तो फ्री है, आप ऐसे ही भी देख सकते हैं जा करके, लेकिन अंदर जो था वही मेन था। फ्रेंड्स सावन स्पेशल का ये 7th वीडियो था और अभी भी सावन चल रहा है और ये झांकी लगी हुई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप जाएँ यहाँ पे, बहुत ही अच्छा झांकी लगा रहता है मानस मंदिर में दुर्गा कुंड के पास, वहाँ पे आप जाके ज़रूर देखिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि ऐसी वीडियो में